हेलो गाइस, मैं प्रियंका आज आपको बताऊंगी कि आटा कैसे लगाया जाए जिससे हमारी रोटियां गोलू गोलू टाइप फूल जाएं। तो यहाँ पे लिया है मैंने आटा और पानी लिया है तांबे के लोटे पे। तो आप लोग भी अगर तांबे के लोटे में पानी नहीं पीते हैं तो रोटी बनाने में या फिर खाना बनाने में तांबे के लोटे में रखा हुआ पानी ही इस्तेमाल करें, इससे काफ़ी फायदे होते हैं। तो चलिए लगाते हैं आटा। तो अब हमें क्या करना है कि हमें धीरे धीरे आटे में पानी डालना है, एक साथ सारा पानी मत डालिएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा करके आटे की लोई बनाती जा रही हूँ, एक साथ आटे को नहीं गूंथ रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए जैसे हमारा आटा ऑलमोस्ट गूंथ गया है तो अब बारी आती है इसकी थोड़ी कुटाई पिटाई करने की। तो थोड़ा सा पानी लेंगे हाथ में और इसको अच्छे से ऐसे गूंथेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 5 मिनट के लिए कपड़े से ढक देंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं, अब हमने फिर से इसकी कुटाई पिटाई करनी है। ये देखिए आटा थोड़ा सॉफ्ट हो गया, फिर से पानी से हम इसको अच्छे से गूंथेंगे। अच्छा, आटे को जितना मला जाए ना उतने ही रोटियां हमारी सॉफ्ट और फूली फूली बनती हैं। देखिए यहाँ पे हमारा आटा अभी सॉफ्ट नहीं हुआ है, थोड़ा फटा फटा सा लग रहा है, तो और हम पानी डाल के इसको अच्छे से गूंथ लेंगे। तो थोड़ी सी मेहनत तो लगती है जनाब। तो चलिए भाई, मेरा आटा तो तैयार हो गया है। तो आप में से जो जो रोटी खाने आना चाहता है प्लीज़ आ जाइए और आप भी अपने घर में ऐसे ही आटा लगाइए और फूली फूली रोटियां बनाइए। तो मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए।